India is hosting two-day meeting of the foreign ministers of the BIMSTEC countries in New Delhi on Thursday. The retreat aims at bolstering cooperation among Bay of Bengal countries. Our message should be clear that we are all determined to infuse new energies, new resources and a new commitment. खत्ते में और इतने तेज हो गए हैं वाकयात कि अब तो बिल्कुल आप समझें कि आप टोटल आइसोलेशन में चले जाएंगे अगर आपने ये अपने अंदरूनी इंतशार या खल्फी इशार को ख़त्म ना किया और पब्लिक जो सोशल अनरेस्ट है उसको ख़त्म ना किया। ये बाकी में सियासी वैसी बातें और ये छोड़ दें, आपको अजीब वो आपस में देखें, जरदारी साहब को या तो बुलाना चाहिए सबको या नवाज शरीफ साहब को निकल के बाहर आए, पता चले कहाँ हैं वो और वो सबको बुलाएं। और बाकी तो सारे मुल्क ऑलरेडी थे वहाँ पे, तो इंडिया अपनी ग्रुपिंग बना रहा है और बनाने में कामयाब हो गया है। हमारी समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और उधर हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, हमारे इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पे लगे हुए हैं कि मैंने तबाह बर्बाद कैसे करना है। क्यों के वहां से स्टेटमेंट आई है इंडिया को लेके कि अगर रशिया और यूक्रेन की वार कोई रुकवा सकता है या प्रेसिडेंट जोन से हैं रशिया के पुतिन उन्हें अगर कोई मना सकता है तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, और ऑयल भी जो आ रहा है वो इलीगल वे में आ रहा है, लीगल वे में। आप मुझे बताएं जी, ईरान से कौन ऑयल ले रहा है? इंडिया नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, चाइना नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। सर जाने दे, सर देखें उनका तो उधर पोर्ट बकायदा तौर पे ईरान में जो उन्होंने पोर्ट बना दिया इंडिया ने और ईरान ने, हम अपना किया हुआ काम भी नहीं बता पा रहे। मतलब क्या किया आपने? आपने एक मनी बिल पास किया पार्लियामेंट में, दो दफा आपके वजीर आजम सिर्फ आए हैं पार्लियामेंट में। सुन, यही वजह है कि पाकिस्तान को उन्होंने फारिग कर दिया और उन्होंने कहा जी कि आपका इस खत्ते में कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सार्क को डिसफंक्शनल कर देते हैं, बिम्स्टेक को और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव शुरू करके पाकिस्तान और जो इसके इंटरेस्ट हैं वो कहेंगे जी वो तो क्योंकि डिसफंक्शनल है हम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को सात पड़ोसी देशों के संगठन बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करते हुए कहा कि यह ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट और सागर दृष्टिकोण को जोड़ने का जरिया है। मल्टी रीजनल टेक्निक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के साथ रणनीतिक जुड़ाव को स्पष्ट करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत के व्यापक भू राजनीतिक ढांचे में पड़ोसी पहले ईस्ट एक्ट नीति और सागर दृष्टिकोण बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि हम पिछली बार इसी तरह की बैठक में पिछले साल जुलाई में बैंकॉक में मिले थे, उसके बाद बिम्स्टेक की गतिविधियों को गहरा और व्यापक बनाने के हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिला है। वही भारत को अपने सभी पड़ोसी को भारत बुलाता देख पाकिस्तान तिलमिला उठा और बोला भारत ने साउथ एशिया में हमें माइनस कर दिया है, भारत सबको बुलाया लेकिन हमें पूछा तक नहीं, हमारे नेता बस अपने देश को कैसे श्रीलंका सोमालिया बनाना है यही सब सोचते रहते हैं। दूसरी तरफ भारत इतने बड़े लेवल पर अपनी पहुंच बना रहा है और साउथ एशिया का लीडर बनने जा रहा है। लग तो ऐसे रहा है कि भारत जो है उसने साउथ एशिया की जो डेफिनेशन है वो ही चेंज कर दी है। आज भारत के अंदर बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, जिसको जारी बात है भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर उसको लीड कर रहे हैं। अब हो ये रहा है जिसको अगर देखा जाए, ये जो बिम्स्टेक है एक ऐसा ब्लॉक भारत ने बना दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए माइनस कर दिया। बिम्स्टेक में से पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खित्ते से माइनस कर दिया और उन्होंने अपनी एक नई डेफिनेशन जो है वो खित्ते में डाल दी। अब जारी बात है पाकिस्तान जो है वो उसको उसके पास ना तो कोई बायलैटरल फोरम है इस पूरे खित्ते में किसी मुल्क के साथ बात करने के लिए, बायलैटरली हम किसी से बात ही नहीं करते क्योंकि हम किसी को इस काबिल ही नहीं समझते। जिनको नहीं पता मैं बताता चलूं कि इसको बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखें बिम्स्टेक जो है ये एक वो कहते हैं जी तकरीबन 2 अरब लोग हैं इसमें और इसकी जो कंबाइंड जीडीपी है वो 5.2 ट्रिलियन है, जिसमें से जारी बात है तकरीबन 4 ट्रिलियन तो इंडिया अकेले की है, बाकी ममालिक मिला के 1.2 ट्रिलियन है। और जिसमें इम्पोर्टेंट मुल्क, सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। देखें आप अगर सार्क को देखें तो आपने ऑलमोस्ट म्यांमार और थाईलैंड को ही एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाकी तो सारे मुल्क ऑलरेडी थे वहां पे। तो इंडिया अपनी ग्रुपिंग बना रहा है और बनाने में कामयाब हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान को उन्होंने फारिग कर दिया और उन्होंने कहा जी कि आपका इस खत्ते में कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सार्क को डिसफंक्शनल कर देते हैं, बिम्स्टेक को
और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव शुरू करके पाकिस्तान और जो इसके इंटरेस्ट हैं वो कहेंगे जी वो तो क्योंकि डिसफंक्शनल है, हमने एक नया ग्रुप बना लिया है इस ग्रुप के जरिए। देखिए इंडिया अपनी ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो तो पूरी तरह जिसे वो कहते हैं ना कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर अगर अमेरिका पूरा हाथ रखे तो वो ये लीडरशिप जो है वो समहाउ क्लेम करे, इस पे वर्क करे। अब ये जो बिम्सटेक की जो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग हुई है इसमें जिसे वो कहा जाता है कि वो कहते हैं जी कि जितनी भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन की गई है कि क्या हो रहा है और हम खित्ते के ममालिक कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सुनने में आया है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो डॉक्टर हसन महमूद वो स्पेशली चाइना से आए हैं क्योंकि वो वहां पे मौजूद थे। मैं समझता हूँ ये कि पाकिस्तान को जिस चीज पर फोकस करना चाहिए या जिस चीज को वो देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान सार्क के का इजलास बुला सकता है, नहीं बुलाएगा क्योंकि हमारी किसी ने सुननी नहीं। पाकिस्तान ने बायलैटरल ताल्लुकात भी इन ममालिक से नहीं रखे हुए, पाकिस्तान की लीडरशिप की मुझे समझ नहीं आई। मैं आई रियली वॉन्ट टू नो कि क्यों पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना बांग्लादेश से मिलना चाहती है ना नेपाल से मिलना चाहती है ना, हमने खित्ते में सब कुछ छोड़ दिया, हमने खित्ते में सब कुछ छोड़ दिया, इंडिया ने सबको पकड़ लिया है बायलैटरली भी मल्टीलैटरली भी। और मैं गारंटी से कह सकता हूं देखें ऑप्टिक्स भी होने चाहिए ना, कुछ दे मस्ट बी सम ऑप्टिक्स, कुछ ऑप्टिक्स भी होने चाहिए। क्या कर रही है हुकूमत पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू इंगेजिंग इन द रीजन? अफगानिस्तान हमारी सुनता कोई नहीं है, वो उसका दिमाग और तरफ चल पड़ा हुआ है, उसने वो उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने टीटीपी को नहीं छोड़ना, जो दहशतगर्द जमात टीटीपी हमने उसको नहीं छोड़ना, हमने उसका साथ देना है, हमने उसके साथ खड़े होना। ठीक है दैट्स फाइन, आपका ये हक है, खड़े हो आप जो है ना वो जो आपने करना है करें, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। एक बात हो गई। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि क्या हम बायलैटरली इंगेज हो सकते हैं किसी के साथ? हम नहीं इंगेज, हम किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते। हम कि हमारी है क्या पॉलिसी, हम क्या कर रहे हैं? और मैं एक जगह कहीं बैठा हुआ था, मैंने ये सवाल पूछना चाहता था मैं कि यार ये हम करते क्या हैं, हमारा माइंड सेट क्या है? ठीक है ना जी, हमारा माइंड सेट क्या है, हम करते क्या है, हम सोच क्या रहे हैं दुनिया के लिए और खित्ते के लिए? मेरा नहीं ख्याल सोच रहे। आज वो पाकिस्तान के अंदर अज़रबैजान के आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म हमारे वज़ीर-ए-आज़म उनको लेने चले गए हैं एयरपोर्ट पर। मतलब अज़रबैजान इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान के हमारा वज़ीर-ए-आज़म ही वहाँ पर चले गए, हमारे इमरान खान थे, उनको ये है कि मैंने मेरी लेगेसी क्या है, अब हमें नहीं समझ वो उनकी लेगेसी क्या है, उन्होंने लेगेसी यही छोड़ी है, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, हमले कर दो, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, पाकिस्तान को श्रीलंका बना दो, पाकिस्तान को कीनिया बना दो, इस तरह की बातें करते हैं अपने लोगों के सामने। जब वो जेल में जाते हैं अवाम पीछे से पाकिस्तान को वाकई कीनिया और जो है ना श्रीलंका और इस तरह के मुल्क बनाने की कोशिश करती है। अब तो श्रीलंका भी बहुत बेहतर हो रहा है और उनकी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, वो जो एक वक्त था वो खत्म हो गया। आगे भाई उधर जाके आपको लगता है कि जब प्रॉपर किसी कंट्री की फौज हो तो ये जिहाद वाला कंसेप्ट फिर, मतलब आप कहेंगे मैं जाके जिहाद करने लगा हूँ, तो ये आपको नहीं लगता कि ये बेहतर है या नहीं है क्या? नहीं हम जा नहीं सकते ना, हम कैसे जा सकते हैं, हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि हम जा सकें दूसरे मुल्क। ये तो हमारी फौज का या हमारी गवर्नमेंट का काम है ना कि उधर जाके ये सारा काम करे और उनको करना चाहिए। हम तो यही कर सकते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं जमातों के साथ मिलके या अपने तौर पे, यही हम कर सकते हैं। इंडिया पे क्यों नजर है पूरी दुनिया की कि इंडिया चाहे तो रशिया यूक्रेन की वार रुकवा सकता है, इंडिया जो उनसे अपनी मर्जी से फैसले भी कर रहा है, रशिया से भी आज ले रहा है, ईरान से भी आज ले रहा है, लेकिन उसके ऊपर अमेरिका प्रेशर नहीं डालता, हम कुछ करें तो प्रेशर? अरे ये काम है हमारे हुक्मरान जो है ना, अच्छा ये बगैर अपना अमेरिका के ये नहीं चल सकते ना, चलते हैं ठीक है, ये वो जो कहता है ये वो ही करते हैं। तो हम आजाद, ये तो देखो रशिया के पास से इमरान खान गया था हाँ, तेल लेने और उनको उसको अंदर कर दिया कि क्यों गया तो